विधानसभा चूंटणीना प्रथम तबक्कामां चूंटणी प्रचारना अंतिम दौरमां सोमनाथना वीरावळ खाते यूपीना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथे जंगी जाहेरसभाने संबोधता योगीए सोमनाथ उपर विधर्मीओना आक्रमणने याद करी गुजरातीमां संबोधननी शरूआत करी उपस्थित जनमेदनीने प्रभावित करी हती। तो योगीए सभा संबोधता कोंग्रेस अने आम आदमी पार्टी पर आकरा प्रहारो कर्या हता। कोंग्रेस अने आम आदमी पार्टी तमोने सन्मान तो नहीं आपे अने तमारी सुरक्षा करी शकती नथी, आ बधुं भाजपनी सरकार ज आपी शके। आम आदमी पार्टीनो नमूनो आतंकीओनो हिते चूक छे अने सेनाना पराक्रम सामे सवाल उठावी प्रूफ मांगे छे, त्यारे आवा लोकोने मत आपीने आपणा मतने कलंकित ना कराय। सरदार पटेलनी सौथी ऊंची प्रतिमा बनावी सन्मान आपवानुं काम मोदी सरकारे कर्युं। कोंग्रेसे क्यारेय सरदार पटेलने सन्मान आप्युं नथी। आ तके योगी सहितना महानुभावोए संविधान गौरव दिवस निमित्ते मंच पर बंधारणना घડવૈયા ડોક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ કરી હતી। બીજી તરફ કોંગ્રેસને આડે હાથ લઈ યોગીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ મુસ્લિમ વોટ બેંક માટે ક્યારેય પણ આપણી આસ્થાને સન્માન નહીં આપે। જે કોંગ્રેસ તમારી આસ્થા સાથે ખિલવાડ કરે છે, શું તેવી કોંગ્રેસને મત આપશો? કોંગ્રેસ અહીંથી શાંત નથી થતી। કોંગ્રેસે ક્યારેય ડૉક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકરને સન્માન નથી આપ્યું। બાબા સાહેબને ચૂંટણી હરાવવાના ભરપૂર પ્રયાસ કોંગ્રેસ કરતી હતી। જ્યારે જ્યારે સોમનાથને विदेशी आक्रमणकारों ये लूटवानो प्रयास कर्यो छे, त्यारे सोमनाथना धरती पुत्रो ये प्राणनी आहुति आपी छे, जेने क्यारे भूलवामा नहीं आवे। बोलो हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग, जिसका हर भारतीय प्रतिदिन नित्य प्रति सौराष्ट्रे सोमनाथम च यहां से स्मरण करके एक नई ऊर्जा का संचार अपनी धमनियों में करता है, ऐसे भगवान सोमनाथ की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे, तब कांग्रेस ने विरोध किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी, और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो। लेकिन सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने यहीं पर समुद्र के किनारे खड़े होकर के उन्होंने यहां पर संकल्प लिया था कि किसी कालखंड में अगर किसी विदेशी आक्रांता ने हमारे किसी आस्था के स्थल को तोड़ करके वहां पर हमारी आस्था को आहत किया है, स्वतंत्र भारत गुलामी के इन चिन्हों को स्वीकार नहीं करेगा। और भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया था। जब उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, उन्हें रोकने का भरसक प्रयास हुआ था। भाइयों बहनों, जो कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हो, क्या उस कांग्रेस को हम समर्थन करेंगे? जो कांग्रेस कभी आपके साथ नहीं खड़ी होती है, क्या उस कांग्रेस के साथ हम खड़े होंगे? और कांग्रेस केवल यहीं पे शांत नहीं थी, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, उन्हें चुनाव हराने का भरसक प्रयास कांग्रेस करती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पांच प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है।